पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बच्चों की शारीरिक गतिविधियों को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से गुरुवार को काशीराम नगर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें योग गुरु गौरव त्यागी ने बच्चों को योगा करने के गुण सिखाए। साथ ही बच्चों को बताया कि जल्द ही सुबह उठकर सभी बच्चों को योगा करना चाहिए, जिससे बच्चों का शरीर स्वस्थ रह सके और बीमारियों से भी लड़ने की क्षमता मिलती रहे। इस दौरान बच्चों सहित स्कूल का समस्त स्टाफ भी मौजूद रहा। आज यहाँ कुष्ठ जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी दी गई। उनके बारे में बताया गया कि कुष्ठ रोग से कोई पीड़ित व्यक्ति हो जिसमें कि कोई सुन्न दाग धब्बा, जिस पर खुजली ना आती हो, जिस पर पसीना ना आता हो, जिसके बाल या रोमकूप समाप्त हो गए हों, तो ऐसे निशान को जो है जाँच करानी आवश्यक है। ऐसा निशान कुष्ठ रोग का हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को जिला कुष्ठ कार्यालय टाउन हॉल पर भेजें, जहाँ पर हम इसकी जाँच करके अगर कुष्ठ रोग की पुष्टि होती है तो उसका 6 महीने से 1 साल का इलाज निःशुल्क उपलब्ध है। ये योग शिविर बच्चों के विकास हेतु बहुत आवश्यक है और जैसा कि पूर्व में हम अन्य विद्यालयों में भी ये शिविर का आयोजन कर चुके हैं, तो हमारा उद्देश्य है कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास हो। इसी उपलक्ष्य में ये योग शिविर का आयोजन 3 दिन के लिए किया गया है, जिसका प्रथम दिवस आज इस विद्यालय में पूर्ण हुआ है। आगे चलने वाले 2 दिन तक ये अभ्यास यथासमय हम इन विद्यार्थियों के बीच में कराते रहेंगे और योग से ये बच्चे स्वस्थ रहें, हमारा सारा, ये बच्चे जब स्वस्थ रहेंगे तो समाज भी स्वस्थ रहेगा और नागरिक ही अच्छे बन सके, ऐसा ही हमारी कामना है। इसी अभ्यास क्रम में हमने योग शिविर का आयोजन इस विद्यालय के अंतर्गत किया है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों का, बच्चे अच्छे से सीख भी रहे हैं और उन्होंने ये सब, हम चाहेंगे कि आगे उनके जो कक्षा अध्यापक हैं, अध्यापिकाएँ हैं, इस शिविर के बाद में नियमित रूप से 20 मिनट इनको योगाभ्यास कराएं, जिससे कि शोधों में बात कही भी गई है कि यदि 20 मिनट प्रतिदिन आप योगाभ्यास करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है।